हेलो बच्चा लोग, वेलकम टू फ्री लॉन्ग टर्म कोर्स ऑन वेदांतु नीट मेड इजी। बच्चा लोग, मैं आपकी मास्टर टीचर भूमिका मेहता और आज हम लेके आ रहे हैं पार्ट 5 ऑफ सेल द यूनिट ऑफ लाइफ। सेल द यूनिट ऑफ लाइफ में बच्चा लोग, इससे पहले के पार्ट्स में हमने प्रोकैरियोटिक सेल, यूकैरियोटिक सेल का सेल वॉल एंड सेल मेम्ब्रेन, देन यूकैरियोटिक सेल का हमने एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम एंड देन उसके बाद माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम, वो सारे ऑर्गेनल्स खत्म किए। अब आज हम क्या खत्म कर रहे हैं? वी आर कंप्लीटिंग सीलिया, फ्लैजेला, सेंट्रोसोम एंड न्यूक्लियस। मतलब इसके साथ ये पूरा चैप्टर खत्म है ना। तो बच्चा लोग देख लो, कल दिवाली है ना, जहाँ साल खत्म होता है हमारा चैप्टर भी आज खत्म हो रहा है, सारा हिसाब किताब क्लियर। तो इसके बाद से बच्चा नए साल से हम नया चैप्टर शुरू करेंगे, है ना। तो बच्चा लोग लेट्स स्टार्ट। ठीक है, 5 तारीख से नया साल शुरू हो रहा है और हम नया चैप्टर शुरू कर रहे हैं। कौन सा चैप्टर शुरू करेंगे ये कमेंट सेक्शन में लिख के बताओ, सो दैट आई कैन स्टार्ट विद द सेम सेशन। ओके, और इसी के साथ मैं आपको ये भी बता दूं बच्चा, जो भी हम नया चैप्टर शुरू कर रहे हैं उसका मैं हैंड रिटन नोट्स आपको दे रही हूँ। ठीक है, तो मेक श्योर जो भी चैप्टर आपको बॉटनी में, ठीक है, चाहे वो 11th का हो चाहे वो 12th का हो, बॉटनी में, आई रिपीट बॉटनी में, ठीक है, एनिमल के चैप्टर्स मत देना बच्चा, मैं बॉटनी एक्सपर्ट हूँ। तो जो भी चैप्टर्स आपको बॉटनी में डिफिकल्ट लगते हैं उनके आप नाम लिख के दे दो, मैं उसको जितना मैक्सिमम जो आएगा उस हिसाब से आई विल स्टार्ट। परफेक्ट, चलो अब शुरू करते बच्चा लोग। ये चैप्टर का ये जो रिकॉर्डिंग है ये किसके लिए काम में आएगा? इट विल बी यूजफुल फॉर नीट 2022 एंड फॉर नीट 2023। तो फटाफट से बच्चा लोग, हम इतना प्यार दे रहे हैं आपको, आप भी थोड़ा सा प्यार दे दो, वीडियो को लाइक कर लो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को टर्न कर लो ऑल पे, ताकि जब जब हम लाइव आए आपके दिल की नहीं फोन की घंटी बजे, टिंग टोंग। ठीक है, और एक बात बच्चा लोग, अगर आपको यही सारे जितने भी हमारे सेशन है उसके पीडीएफ नोट्स चाहिए, सेशन के लिंक चाहिए, सारे नोटिफिकेशंस चाहिए, तो टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करना मत भूलना। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी लिंक है और यहाँ पर भी लिंक अवेलेबल है। इसी के साथ बच्चा लोग टर्म 1 क्रैश कोर्स, चाहे 11th हो चाहे 12th हो, टर्म 1 क्रैश कोर्स जो है वो वेदांतु ने लॉन्च कर दिया है। और इसी के साथ साथ वेदांतु हैज ऑल्सो लॉन्च्ड टेस्ट सीरीज फॉर टर्म 1 क्रैश कोर्स। तो फिलहाल तो मैं आपको टर्म 1 क्रैश कोर्स बता देती हूँ, टेस्ट सीरीज के बारे में मैं आपको नए साल मतलब 5 नवंबर को बताऊंगी। अब देख लो बच्चा लोग, इफ आई कंसिडर टर्म 1 क्रैश कोर्स तो उसमें आपको क्या क्या फैसिलिटीज मिलेंगे? फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स एंड बायोलॉजी, इन सब का मतलब पूरा CBSE साइंस टर्म 1 क्रैश कोर्स का पूरा सिलेबस, एग्जाम्स के लिए पूरा प्रिपरेशन, स्कूल एग्जाम का पूरा प्रिपरेशन, उसके साथ उसका रिवीजन और हर एक चैप्टर हर एक टॉपिक का शॉर्ट कोर्स। यस, नेक्स्ट इसी के साथ मैं आपको ये भी बता दूं बच्चा लोग दैट इफ आई कंसिडर कौन कौन से आपके पास ऑप्शंस अवेलेबल है टू चूज अ प्लान, तो हमने बोला इट हैज टू बी लाइट और इट हैज टू बी क्लासिक। ठीक है, अब आप क्या चूज करोगे, लाइट या क्लासिक? क्लासिक, बिकॉज दोनों का फीस सेम है और क्लासिक में एक एक्स्ट्रा बेनिफिट आपको मिलता है एंड दैट इज डाउट सॉल्विंग ऑन मोबाइल ऐप। ठीक है, मतलब मोबाइल ऐप पे डाउट सॉल्विंग आपको क्लासिक में मिलेगा, लाइट में नहीं। दोनों का फीस सेम है बच्चा, तो क्यों लाइट प्रेफर करना, प्रेफर क्लासिक। ओके, दोनों में आपको क्या क्या फैसिलिटीज, आई मीन क्लासिक में आपको क्या फैसिलिटीज अवेलेबल रहेंगे? तो 1-to-1 टीचर के साथ आपका इंटरेक्शन होगा, लाइव इंटरेक्टिव क्लास होगा, टेस्ट सीरीज अवेलेबल रहेंगे, टेस्ट के एनालिसिस रिपोर्ट्स मिलेंगे ताकि आपको पता चले आप कहाँ गड़बड़ कर रहे हो, क्या आपको और इम्प्रूव करना चाहिए। इसी के साथ साथ हर एक लेक्चर खत्म होने के बाद उसके असाइनमेंट्स होंगे, उसके नोट्स होंगे और डाउट सॉल्विंग होगा ड्यूरिंग द क्लास। ये ड्यूरिंग द क्लास वाला जो होता है बच्चा, वो क्लास टीचर्स एंड मास्टर टीचर्स, जैसे मैं मास्टर टीचर हूँ और एक क्लास टीचर रहेंगे क्लास में, सो वी जनरली टीच ऑन 2 टीचर मोड। एक क्लास टीचर मास्टर टीचर आपको पढ़ा रही है और डाउट भी सॉल्व कर रहे हैं और क्लास टीचर साइड बाय साइड आपके डाउट सॉल्व करते जाएंगे। उसी के साथ बच्चा लोग यू विल ऑल्सो हैव डाउट एक्सपर्ट, जो मोबाइल ऐप पे आपका डाउट क्लियर कर पाए। ठीक है, अब कमिंग टू द पॉइंट, क्या फीस रहेगा और आपको क्या फायदा होगा अगर आप BM प्रो कूपन कोड लगाते हो? तो फीस है 10,000 रुपीज। ठीक है, 10,000 की फीस है, लेकिन अगर आपने BM प्रो कूपन कोड यूज कर लिया तो आपको भारी भरकम डिस्काउंट के बाद 2,700 विल बी योर फीस, एज सिंपल एज दैट। नेक्स्ट, BM प्रो कूपन कोड विल बी एप्लीकेबल फॉर 11th नीट, 12th नीट, ड्रॉपर या मंथन या फिर करेजियस बच्चों का बैच, दैट इज रिपीटर्स बैच, ओके, जिसको हम मंथन बैच भी बोलते हैं, इन सब के लिए बच्चा बीएम प्रो कूपन कोड विल बी एप्लीकेबल, जहां आपको 10% डिस्काउंट एंड 15 डेज का एक्स्ट्रा वैलिडिटी मिलता है ऑन ट्रायल पैक, ओके। और अगर मैं बोलूँ टर्म 1 टर्म 2 क्रैश कोर्स, फिर भी हमारा कूपन कोड रहेगा सेम, दैट इज बीएम प्रो। और ये जितने भी मैंने आपको कोर्सेज बताया, दैट इज 11th स्टैंडर्ड टर्म 1, 11th स्टैंडर्ड टर्म 1 प्लस टर्म 2, 11th स्टैंडर्ड नीट, 12th स्टैंडर्ड टर्म 1, 12th स्टैंडर्ड टर्म 1 प्लस टर्म 2, 12th स्टैंडर्ड नीट एंड रिपीटर बैचेस, दैट इज ग्रेड 13 का बैच। ये सबके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, आप अपने कन्वीनियंस के हिसाब से देख सकते हो। अब बच्चे लोग JEE एडवांस का रिजल्ट आप सबको पता है 1500 स्टूडेंट्स का सिलेक्शन हुआ है, बट इससे भी ज़्यादा बच्चा पता है, ये आप सबको पता है कि हम मिलके बनाने वाले हरकर वेदांतु। अब JEE तो हमने अपने बेहतरीन रिजल्ट दिखा दिए, नीट का क्या? नीट का बच्चा ऑल इंडिया रैंक 5, is that less? We have 4 students who are above 700. एक ऑनलाइन टीचिंग से, वेव प्लेटफॉर्म के टीचिंग से, सोचो क्या मतलब, क्या लेवल के टीचर्स है, क्या लेवल का टीचिंग मटेरियल दिया जाता है, क्या लेवल की मेहनत कराते हैं हम बच्चों से, और कितने अच्छे बच्चे हमको हैं। वैसे ही बच्चा अगर आप भी अपने आप को उस लेवल का समझते हो जहां आप भी ये 700 प्लस स्कोर ला सकते हो, सोचो 720 में से 700 से ऊपर लाने वाले 4 बच्चे बच्चा, और कितने सारे बच्चे हैं विच आर मोर देन 680, मतलब इन सबकी मेडिकल सीट तो पक्की है ना। आपको मैं फिक्स नंबर्स भी बताऊंगी, लेकिन फिलहाल के लिए हमको ये जानना ज़रूरी है कि अगर वेदांतु नीट में ये रिजल्ट ला सकता है, JEE में ये रिजल्ट ला सकता है, तो क्या वेदांतु किसी ऑफलाइन फॉर्म से कम है? नहीं, वी आर मेकिंग द सेम डिफरेंस इन योर लाइफ दैट एन ऑफलाइन टीचर कुड, समझ रहे हो? द ओनली डिफरेंसेस हम आपके घर पे है, आपके कन्वीनियंट टाइम पे है, आपके रिप्लेज में अवेलेबल है, आपके लाइव सेशंस में अवेलेबल है, आपके डाउट सॉल्विंग में अवेलेबल है, सब कुछ मिल रहा है बच्चा, एंड दैट टू एट अ नॉमिनल फीस। तो विद दैट हाई जोश, कुछ कर दिखाने का दम रखते हुए हम शुरू कर रहे हैं आज का सेशन, टू मेक अनदर सक्सेस स्टोरी, है ना। तो लेट्स स्टार्ट टुडे सेशन बच्चा लोग। और हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं? सीलिया, फ्लैजेला, सेंट्रोसोम, सेंट्रियोल्स एंड न्यूक्लियस। तो लेट्स स्टार्ट विद सीलिया एंड फ्लैजेला। दोनों को एक साथ इसलिए देख रहे बच्चा क्योंकि अगर आप यूकैरियोट कंसिडर कर लो, ठीक है, तो उसमें सीलिया फ्लैजेला दोनों का स्ट्रक्चर क्या रहेगा? सेम। प्रोकैरियोट में क्या अलग रहेगा? नहीं, प्रोकैरियोट में सीलिया होता ही नहीं है और फ्लैजेला में फ्लैजेलिन प्रोटीन प्रेजेंट होता है, लेकिन यूकैरियोट में फ्लैजेला का स्ट्रक्चर सीलिया के स्ट्रक्चर जैसा ही होगा, ठीक है। देखो, सीलिया हो या फ्लैजेला, पतला सा हेयर लाइक स्ट्रक्चर ही होगा, सीलिया छोटे होते, फ्लैजेला थोड़े लंबे होते, इतना डिफरेंस। कहाँ से शुरू होते हैं? ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन से, ओके, और ये ऊपर तक प्लाज्मा मेम्ब्रेन को अपना कवरिंग बना के घूमते हैं, समझ रहे हो? जैसे आपको फोड़ी आ गया तो आपका ऊपर का स्किन तो उसी फोड़ी के ऊपर भी कवरिंग बनाएगा, वैसे ही प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर से इनका बेस शुरू होता है, ओके, और वहीं से वो बाहर आते हैं, और उनके बाहर का कवरिंग क्या रहेगा? प्लाज्मा मेम्ब्रेन। नेक्स्ट, एक्सोनील। अब ये एक्सोनील क्या है, ये सेंट्रल ट्यूब्यूल क्या है, ये सब देखते हैं, ठीक है, एक इमेज के साथ। ये NCERT का इमेज लिया है बच्चा हमने। ये जो आपको मिल रहा है ये सेक्शन सीलिया या फ्लैजेला का रहेगा, जिसके एग्जैक्टली सेंटर में आपको 1 और 2 मिल रहे हैं, ठीक है। ये जो 2 रिंग लाइक स्ट्रक्चर्स है इसको हम बोलते हैं सेंट्रल माइक्रोट्यूब्यूल। तो 2 सेंट्रल माइक्रोट्यूब्यूल होगा। कितने सेंट्रल माइक्रोट्यूब्यूल होंगे? तो हमने बोला 2 सेंट्रल माइक्रोट्यूब्यूल्स आर प्रेजेंट। सिंपल। ये जो आपको माइक्रोट्यूब्यूल दिख रहा है इसमें आपको ऐसे देखो, ऐसे 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 सर्कल्स दिख रहे हैं, है ना। ये किस चीज से बना है? ये ट्यूब्यूलिन से बना रहेगा, परफेक्ट। तो ट्यूब्यूलिन का, माइक्रोट्यूब्यूल का पूरा एक सर्क्यूलर स्ट्रक्चर, एक सिलिंड्रिकल स्ट्रक्चर बनता है। ऐसे 2 है और इनके बीच में कनेक्टिंग ब्रिज दिखेगा आपको, ठीक है। अब वो जो पूरा 2 सेंट्रल माइक्रोट्यूब्यूल वाला रीजन था उसको बाहर एक कवरिंग होता है जिसको हम बोलते हैं सेंट्रल शीट। क्या बोला हमने? सेंट्रल शीट। इसी सेंट्रल शीट के बाहर आपको क्या दिखेगा? आपको दिखेंगे देयर आर 9 डबलेट्स विच आर अरेंज्ड। डबलेट्स मतलब दो की जोड़ी जाएगी। ये देखो, ये ए, ये बी, ये ए, ये बी, ऐसे करके 9 डबलेट्स दिखेंगे। अब ये जो 9 डबलेट्स है उसमें ए विल बी अ कंप्लीट सर्कल एंड बी विल बी अ पार्शियल सर्कल, ठीक है। तो ए आपको कंप्लीट दिखेगा, बी पार्शियल दिखेगा, परफेक्ट। नेक्स्ट, हर एक डबलेट का सेकेंड डबलेट के बीच में कनेक्शन होगा, जिसको नाम दिया गया है इंटर डबलेट ब्रिज। मतलब पहले वाले डबलेट का बी नेक्स्ट डबलेट के ए से कनेक्टेड होगा। कैन यू सी दिस ग्रीन कलर्ड इंटर डबलेट ब्रिज विच इज प्रेजेंट एवरीवेयर। ठीक है, नेक्स्ट फिर वो जो डबलेट के माइक्रोट्यूब्यूल का अरेंजमेंट था, वहाँ से कुछ स्पोक जैसे स्ट्रक्चर्स निकलेंगे बाहर, जिसको हम बोलते हैं रेडियल स्पोक। सी हियर दिस इज रेडियल स्पोक। ये किसको कनेक्टेड होगा? ये सेंट्रल शीथ को कनेक्टेड होगा। सो नाउ इमेजिन द एंटायर स्ट्रक्चर विच वी कॉल इट एज एक्सोनीम। ठीक है, और एक्सोनीम में हमको क्या दिखेगा? एक्सोनीम में हमको 9 डबलेट्स दिखेंगे बाहर ए बी के फॉर्म में, और 2 रहेंगे सेंटर में। सो 9 + 2। ओके, नेक्स्ट 2 सिंगलेट्स है। ओके, 2 सिंगलेट्स है, 9 डबलेट्स हैं। 9 डबलेट्स में एक कंप्लीट सर्कल है, एक पार्शियल सर्कल है। कंप्लीट सर्कल इज नोन एज ए, पार्शियल सर्कल इज नोन एज बी। एक डबलेट और दूसरे डबलेट के बीच में ब्रिज होगा, जिसको हम बोलेंगे इंटर डबलेट ब्रिज। हर एक डबलेट से रेडियल स्पोक निकलेगा एंड दिस स्पोक इज कनेक्टेड टू सेंट्रल शीथ। उसके सेंटर में आपके पास 2 रिंग लाइक स्ट्रक्चर्स होंगे या 2 सिंगलेट्स रहेंगे, जिसको आप बोलोगे 2 सेंट्रल माइक्रोट्यूब्यूल, और ये बनता है पूरा सीलिया या फ्लैजुला का एक्सोनीम। तो अब वापस आते बच्चा लोग यहाँ पर, ये देखो एक्सोनीम इज मेड अप ऑफ 9 + 2 एरे ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल्स। सेंटर ट्यूब्यूल मतलब वो जो सेंटर में 2 सिंगलेट्स थे, दे आर कनेक्टेड बाय ब्रिजेस और दे आर कवर्ड और इनक्लोज्ड बाय सेंट्रल शीथ। ओके, नेक्स्ट कनेक्टेड टू वन ऑफ द ट्यूब्यूल ऑफ ईच पेरिफेरल डबलेट्स बाय रेडियल स्पोक। मतलब हर एक सेंट्रल शीथ बाहर वाले डबलेट से कनेक्टेड है, पेरिफेरल डबलेट से कनेक्टेड है बाय रेडियल स्पोक। सिंपल। अब चलो इसी के साथ हम आते हैं टू द नेक्स्ट पार्ट, दैट इज सेंट्रोसोम एंड सेंट्रियोल्स। साथ में क्यों पढ़ रहे? क्योंकि हर एक सेंट्रोसोम में 2 सेंट्रियोल होते हैं। तो सेंट्रोसोम और सेंट्रियोल में कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं है। 2 सेंट्रियोल को परपेंडिकुलर 90 डिग्री, ये देखो एक सेंट्रियोल और दूसरा सेंट्रियोल, ठीक है, 90 डिग्री पे रख दो, ये बन गया सेंट्रोसोम। तो हर एक सेंट्रोसोम में 2 सेंट्रियोल होंगे। ओके, दोनों सेंट्रियोल एक दूसरे को 90 डिग्री परपेंडिकुलरली अरेंज थे। ओके, जैसे कि एक कार्टविल। ओके, एक हर एक सेंट्रियोल एक कार्टविल जैसा दिखेगा। कार्टविल जैसे बुलक कार्ट देखा होगा अगर आपने, तो बुलक कार्ट का जो नीचे का कार्ट व्हील होता है, या फिर अपने कार को ही देख लो यार, वो कार का जो व्हील होता है ना, उसके बीच में वो जो सेंटर से सारे ऐसे लाइंस निकलेंगे, वो होता है कार्ट व्हील। तो हर एक सेंट्रियोल कार्ट व्हील जैसा स्ट्रक्चर दिखाएगा आपको। नेक्स्ट, वो कार्ट व्हील में क्या दिखेगा आपको? 9 पेरिफेरल फाइब्रिल्स। अभी उधर भी 9 था ना सीलिया फ्लैजेला में, डिफरेंस यहां पर 9 है, लेकिन डबलेट्स नहीं है, ट्रिपलेट्स है। वहां 9 पेरिफेरल डबलेट्स थे इन सीलिया एंड फ्लैजेला, सेंट्रियोल्स में 9 पेरिफेरल ट्रिपलेट्स होंगे, जो किससे बने हैं? ट्यूब्यूलिन। दोनों माइक्रोट्यूब्यूल से ही बनाए, दोनों ट्यूब्यूलिन से ही बनाए। डिफरेंस इतना था, सीलिया फ्लैजेला में 9 डबलेट्स होते हैं पेरीफेरी पे, और सेंट्रोसोम या सेंट्रियोल में 9 ट्रिपलेट्स होते हैं पेरीफेरी पे। नेक्स्ट, सेंटर पार्ट में क्या मिलेगा? तो हमने बोला सेंट्रल पार्ट में वही चीज मिलेगा। हमने बोला एक हब रहेगा और रेडियल स्पोक, ये देख लो। ठीक है, मैं थोड़ा सा यहाँ शिफ्ट हो जाती हूँ, आप अच्छे से देखो। ये देखो, अगर आपने अपने कार की व्हील या बुलक कार्ट का व्हील देखा रहेगा, तो ये ऐसा ही कुछ दिखता है। सेंटर में कुछ तो होगा सर्क्यूलर, ये देख लो, सेंटर में कुछ सर्क्यूलर होगा और वहां से सारे ऐसे लाइन्स बाहर आते हुए। दिस इज हाउ अ व्हील विल लुक लाइक। इसको हम बोलते हैं कार्ट व्हील। ओके, अभी इसी को हमने अच्छे से डिटेल से पढ़ना है। ठीक है, व्हाट डू यू सी इन केस ऑफ डिटेल? तो हमने बोला ये देखो, ये जो आपको सेंटर में दिख रहा है, इसको हम बोलते हैं हब। ठीक है, हर एक हब के बाहर ये पेरीफेरी होगा। तो पेरीफेरी पे आपको क्या मिलेगा? 9, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 and 9, 9 ट्रिपलेट्स। 9 ट्रिपलेट्स में क्या नाम दोगे? तो जैसे वहां हमने ए और बी दिया था, यहाँ हम नाम देते हैं ए बी सी, जिसमें ए कंप्लीट होगा, बी और सी आधे अधूरे होंगे। सिंपल। जैसे ये देख लो, ये आपको क्लियरली दिख रहा है कार्टव्हील जैसा शेप। ठीक है, अब इमेजिन कर लो इसके सेंटर में यहाँ पर हब है और यहाँ से सारे ऐसे स्पोक्स निकलते हैं, कार्टव्हील। परफेक्ट। नेक्स्ट, फिर हमने बोला ये जो तुम्हारे स्पोक्स निकल रहे, वो यहाँ पर भी आपको दिख जाएगा इन दिस फॉर्म। दीज आर सेंट्रल स्पोक्स। ओके, तो हमने बोल दिया ये देखो ये होंगे हमारे ब्लू वाले स्पोक्स, वो सेंट्रल में जो था वो सेंट्रल हब, उसके बाद हमारे पास माइक्रोट्यूब्यूल्स होंगे ए बी और सी वाले। और याद रखो बच्चा, जैसे वहाँ पे इंटर डबलेट कनेक्शंस थे, यहाँ पर भी कनेक्शंस होंगे जैसे कि ये ओके अब ये किसको किससे कनेक्ट कर रहा है, सी दिस इज ए बी एंड सी, ए बी एंड सी, तो ये ए और सी को कनेक्ट हो रहा है। यहाँ पर भी अगर आप देखोगे ये ए और सी को कनेक्ट हो रहा है, इसलिए इसको हमने नाम दिया है ए सी लिंकर। ओके, हर एक ए के पास पिन हेड होता है जिससे वो स्पोक की मदद से हब को कनेक्टेड होता है। तो क्या क्या याद किया हमने, फटाफट बता दूं मैं। अगर आप एक सेंट्रोजोम देखते हो उसमें दो सेंट्रियोल दिखेंगे जो परपेंडिकुलरली अरेंज्ड होगा। सेकेंड थिंग, इफ आई कंसिडर द सेंट्रल हब, तो सेंट्रल हब के आसपास पेरीफेरी पे आपको 9 ट्रिपलेट्स मिलेंगे, ए बी और सी, जिसमें ए कंप्लीट होगा, बी और सी थोड़ा बहुत आधा अधूरा होगा। ठीक है, नेक्स्ट फिर हमने बोला ए जो रहेगा उसको एक पिन हेड होता है, फिर वहाँ से स्पोक निकलेगा जो सेंट्रल हब को कनेक्ट करेगा। उसके अलावा आपको क्या याद रखना है, ए बी और सी में से पहले वाले का ए और नेक्स्ट वाले का सी विल बी कनेक्टेड टू ईच अदर बाय नोन एज ए एंड सी लिंकर। खत्म। ऐसे दो सेंट्रियोल्स परपेंडिकुलरली अरेंज होंगे तब जाके बनता है सेंट्रोजोम। अब बच्चा लोग याद रखो, सेंट्रोजोम या सेंट्रियोल्स आर प्रेजेंट ओनली इन एनिमल सेल्स, दे आर टोटली एब्सेंट इन प्लांट सेल्स। तो प्लांट सेल में सेंट्रोजोम या सेंट्रियोल नहीं मिलेगा, सिर्फ और सिर्फ किस में मिलेगा, एनिमल सेल। ठीक है, तो इसी के साथ हम वापस आते हैं टू द नेक्स्ट एंड द लास्ट टॉपिक फॉर टुडे एंड दैट इज न्यूक्लियस। अब बच्चा लोग, इफ आई टॉक अबाउट न्यूक्लियस, पहली बार इसको किसने डिस्कवर किया था, रॉबर्ट ब्राउन। रॉबर्ट ब्राउन ने ये भी देखा कि न्यूक्लियस के अंदर कुछ तो मटेरियल था। अब ये न्यूक्लियस के अंदर क्या मटेरियल था जिसको हम बोलेंगे न्यूक्लिक एसिड, ये किसने डिस्कवर किया था, ये डिस्कवर किया था फ्रेडरिच मिशर। फ्रेडरिच मिशर ने न्यूक्लियस के अंदर जो भी मटेरियल है इसको नाम दिया था न्यूक्लीन। ओके और इसी को रिचर्ड ऑल्टमैन ने नाम दे दिया था न्यूक्लिक एसिड, बिकॉज उनको पता चला न्यूक्लीन इज एसिडिक इन नेचर। ओके नेक्स्ट, न्यूक्लियस जो रहेगा वो पूरे सेल के सारे कमांड्स को पास करेगा, मतलब सेल ने क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, कैसे बिहेव करना चाहिए, कैसे मूवमेंट करना चाहिए, क्या फंक्शन रहेगा उसका, क्या शेप होना चाहिए, ये सारी चीज़ कौन डिसाइड करेगा, ब्रेन ऑफ द सेल, न्यूक्लियस। न्यूक्लियस सेल ऑर्गेनल है लेकिन सबसे बड़ा और सबसे इम्पॉर्टेंट सेल ऑर्गेनल होगा। हर एक लिविंग सेल में न्यूक्लियस प्रेजेंट होगा एक्सेप्ट एरिथ्रोसाइट्स, मतलब आरबीसीज, स्पेशली मेमेलियन या ह्यूमन आरबीसीज, और कुछ सेल्स जैसे कि ई न्यूक्लिएटेड सेल्स। इन केस ऑफ प्लांट सेल अगर मैंने सीड ट्यूब बोल दिया, वो लिविंग है लेकिन ई न्यूक्लिएटेड है, मतलब अंदर न्यूक्लियस नहीं होगा। तो सिर्फ कुछ लिमिटेड सेल्स होते हैं जो एक्सेप्शंस रहेंगे जिनमें न्यूक्लियस नहीं मिलता है, बाकी जितने भी लिविंग सेल है सब में न्यूक्लियस मिलेगा। न्यूक्लियस के बाहर एक कवरिंग होता है जिसको हम बोलते हैं न्यूक्लियर एनवलप या न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। न्यूक्लियर एनवलप या न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर होगा, दो मेम्ब्रेन से प्रेजेंट रहेगा और इनका पूरे मेम्ब्रेन में बीच बीच में क्या रहेंगे, ओपनिंग्स। इस ओपनिंग को आप बोलते हो पोर या फिर न्यूक्लियर पोर। न्यूक्लियर पोर क्या काम करेगा, न्यूक्लियर पोर का काम होगा कौन सी चीजें न्यूक्लियस से अंदर या बाहर जानी चाहिए वो रेगुलेट करना। जैसे mRNA बन गया तो mRNA का एक्सपोर्ट होना जरूरी था। ओके जैसे कोई और चीज़ है, जैसे कुछ एंजाइम्स है या प्रोटीन्स है जिसकी ज़रूरत थी, तो उस टाइम पे उस हिसाब से एक्सचेंज होना ज़रूरी है। तो न्यूक्लियर पोर ये देखेगा कि ये जो चीज़ें हैं वो अंदर जानी चाहिए या नहीं जानी चाहिए, बाहर जानी चाहिए या नहीं जानी चाहिए। सिंपल, दैट इज़ व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ न्यूक्लियर पोर। न्यूक्लियर पोर के आसपास आपको क्या दिखेगा, एन्यूलाई, जिसको हम न्यूक्लियर एन्यूलाई भी बोलते हैं। नेक्स्ट, अब हम न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के अंदर आ गए तो हमको क्या दिखेगा, फ्लूइड। और ये फ्लूइड, क्योंकि फ्लूइड के लिए वर्ड आता है प्लाज्म या प्लाज्मा, क्योंकि ये फ्लूइड न्यूक्लियस के अंदर का फ्लूइड है, यू कॉल इट एज न्यूक्लियोप्लाज्म या कैरियोप्लाज्म। क्या वर्ड यूज करोगे, कैरियोप्लाज्म। ठीक है बच्चा लोग, अगर ये समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक करना मत भूलना। ठीक है, तो आई रिपीट, क्या बोला हमने, न्यूक्लियस के अंदर के फ्लूइड को आप न्यूक्लियोप्लाज्म या कैरियोप्लाज्म बोल सकते हो। क्यों कैरियोप्लाज्म, क्योंकि कैरियन का मतलब होता है न्यूक्लियस। ठीक है, नेक्स्ट फिर हमने बोला ये जो फ्लूइड था इसमें क्या क्या मिलेगा। एंजाइम्स जिसकी मदद से डीएनए बन सकता है या आरएनए बन सकता है। अगर आपको एंजाइम का नाम चाहिए तो डीएनए पॉलीमरेज, आरएनए पॉलीमरेज, डीएनए लाइगेज, हेलिकेज, ये सारे एंजाइम्स हैं जो डीएनए और आरएनए सिंथेसिस के लिए ज़रूरी है। और ये सारे एंजाइम्स आपको कहाँ मिलेंगे? न्यूक्लियस के अंदर, न्यूक्लियोप्लाज्म में डिसॉल्व। ओके, नेक्स्ट फिर उनमें वो मोनोमर्स भी होंगे जिससे नया डीएनए या जिससे नया आरएनए बन सकता है। इन मोनोमर्स को हमने क्या नाम दिया? न्यूक्लियोटाइड। अगर ये आरएनए के मोनोमर है तो आप इनको राइबो न्यूक्लियोटाइड बोल सकते हो, और अगर ये डीएनए के न्यूक्लियोटाइड्स है तो आप इसको डीऑक्सी राइबो न्यूक्लियोटाइड भी बोल सकते हो। सिंपल एज दैट। नेक्स्ट, अगर हमने समझो न्यूक्लियस देखा, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन खोला, सिंगल मेम्ब्रेन, डबल मेम्ब्रेन, अंदर ये स्विमिंग पूल जैसा फ्लूइड है और स्विमिंग पूल में कौन तो ऐसा फ्लोट हो रहा था, कौन? तो हमने बोला डेफिनेटली डीएनए होगा, है ना। फिर उसके बाद एक बड़ा सा ऐसा गोला दिख गया न्यूक्लियस के अंदर। हम सोचा रहे न्यूक्लियस के अंदर दूसरा न्यूक्लियस, नहीं। फिर क्या दिखा? तो हमको दिखा न्यूक्लियस के अंदर क्या था? न्यूक्लियोलस। क्या प्रेजेंट था? न्यूक्लियोलस। ये रहा। अब ये जो न्यूक्लियस था ये कैसा था? भैया ये तो है नंगा पुंगा, इसके पास कोई मेम्ब्रेन नहीं है। जैसे राइबोसोम इज नेकेड, वैसे ही न्यूक्लियोलस विल बी नेकेड। जैसे सेंट्रियोल इज नेकेड, राइबोसोम इज नेकेड, न्यूक्लियोलस इज ऑल्सो नेकेड। उसको कोई मेम्ब्रेन कवरिंग नहीं होगा। ओके, सो इट इज नेकेड सेल ऑर्गेनल। उसी के साथ बच्चा लोग वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट टू रिमेंबर, इरेग्युलर स्ट्रक्चर रहेगा, लेकिन इट इज अ वेरी एक्टिव साइट फॉर राइबोसोम या आरएनए सिंथेसिस, राइबोसोमल आरएनए सिंथेसिस। आई रिपीट, दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट पॉइंट। आरएनए कहाँ बनेगा? न्यूक्लियोलस के पास। तो न्यूक्लियोलस इज अ वेरी एक्टिव साइट फॉर राइबोसोमल आरएनए सिंथेसिस। यह आपको 11th में भी काम आएगा, 12th में मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस में भी ये काम आता है। सो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू बच्चा, इसको बिल्कुल भी मिस नहीं करना, ठीक है? दिस इज दैट इंपॉर्टेंट, ठीक है? नेक्स्ट फिर ये देख लो आप न्यूक्लियस का स्ट्रक्चर, और जो हमने अब तक बताया था वो सारी चीजें यहाँ पर है भी या नहीं। सो व्हाट डू यू सी इन दिस केस? आपको दिख रहा है ये न्यूक्लियर एनवलप है, उसके नीचे आपको न्यूक्लियर लैमिना या मेम्ब्रेन मिल, मतलब एक ऐसा पतला सा मेम्ब्रेन मिल जाएगा। फिर आपको न्यूक्लियोलस दिख रहा है, सेंटर का गोला, उसके आसपास डीएनए के फाइबर्स है जिसको हम बोलेंगे क्रोमैटिन फाइबर्स, फ्लूइड है, क्लियर फ्लूइड जिसको आपने बोला न्यूक्लियोप्लाज्म, और न्यूक्लियर पोर है जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन पे रहेगा। सिंपल एज दैट। चलो इसी के साथ वी कम टू द नेक्स्ट पार्ट। ओके, एंड व्हाट कम्स नेक्स्ट? तो हमने बोल दिया द नेक्स्ट थिंग दैट कम्स इज क्रोमोसोम्स। अब ये क्रोमोसोम्स क्या होगा, ठीक है? तो हमने बोला इफ आई कंसिडर क्रोमोसोम, तो न्यूक्लियस के अंदर डीएनए था, ओके और ये डीएनए जो था वो बहुत ज़्यादा लंबा था, बहुत ज़्यादा लंबा, इतना ज़्यादा लंबा कि इट कैन नॉट कम इनसाइड द न्यूक्लियस। कितना लंबा होगा आप गैस कर लो। अगर मैं एक इंसान का डीएनए देखूं फ्रॉम अ सिंगल सेल, फ्रॉम अ सिंगल न्यूक्लियस, ओके सिंगल सेल से, सिंगल न्यूक्लियस से, तो उसकी लंबाई होती है 2 मीटर्स, 2 मीटर मतलब 200 सेंटीमीटर। इतना लंबा डीएनए एक सेल के अंदर। अब सोचो कैसे आएगा उतने छोटे से न्यूक्लियस में जिसका डायमीटर जाता है 10⁻⁻⁶ मीटर, ये उसका डायमीटर है। इतना छोटा सा न्यूक्लियस जो नेकेड आई से दिखे भी ना, उसके अंदर इतना लंबा डीएनए कैसे आएगा? तो हमने बोला देखो, डीएनए को कॉइल और सुपर कॉइल किया जाता है। जब वो कॉइल हो जाता है तो वो बनता है क्रोमैटिन, और ये क्रोमैटिन आपको कहाँ दिखेगा? सेल साइकिल के इंटरफेस में। इंटरफेस मतलब, तो हमने बोला इंटरफेस मतलब पहले के ज़माने में इसको रेस्टिंग फेज बोलते थे, अब हम इसको प्रिपरेटरी फेज बोलते हैं, जिसमें आता है आपका G1 फेज, S फेज एंड G2 फेज। इन फेजेस में हम डीएनए को नया सिंथेसाइज करते हैं, कॉइल करके रखते हैं, लेकिन क्रोमैटिन के फॉर्म में। G2 फेज जैसे खत्म होने आता है, मतलब इंटरफेज जैसे खत्म होने आता है, वैसे क्रोमैटिन और ज़्यादा अच्छे से कॉइल होने लगता है, सुपर कॉइल होने लगता है, और जैसे ही वो सुपर कॉइल होने लगता है वो कौन से स्टेज में आ जाता है? सेल डिवीजन के प्रोफेज में। फिर प्रोफेज में सुपर कॉइल होना शुरू, और बाय द टाइम वो आ जाता है मेटाफेज में, वो एकदम अच्छे से कॉइल हो जाता है और क्या बन जाता है? क्रोमोसोम। बहुत बेहतरीन तरीके से एकदम टाइटली कॉइल होके बनता है क्रोमोसोम। अगर आपको कभी भी क्रोमोसोम पढ़ना है, सबसे बेस्ट टाइम होता है क्रोमोसोम पढ़ने का मेटाफेज के, मतलब प्रोफेज के क्रोमोसोम अच्छे से नहीं दिखते हैं, एनाफेज या टीलोफेज के उतने अच्छे नहीं दिखेंगे, जितने आपको कौन से क्रोमोसोम अच्छे दिखेंगे, मेटाफेज। ओके, नेक्स्ट, डीएनए का क्रोमोसोम बनने का क्या फायदा? देखो, डीएनए पतला लंबा सा धागा था, क्रोमैटिन के फॉर्म में भी नूडल की तरह अरेंज था, लेकिन अगर आपको उसको दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करना है, ठीक है, दो इक्वल तरीके से डिस्ट्रीब्यूट करना है, दोनों जगह सेम जेनेटिक मटेरियल जाना चाहिए, ऐसा डिस्ट्रीब्यूट करना है, तो उसको क्रोमोसोम बनना पड़ेगा। तो डीएनए के टुकड़े होते हैं, हर एक टुकड़े से एक एक क्रोमोसोम बनता है, जिससे हमारे अंदर, हमारे सेल में 23 टुकड़े होंगे, तभी तो 23 क्रोमोसोम बने। तो हर क्रोमोसोम के इक्वल पार्ट्स होने चाहिए, इसीलिए क्रोमोसोम बनना जरूरी था। नेक्स्ट, अभी अगर आप डीएनए देखो जो क्रोमोसोम बने, तो क्रोमोसोम ऐसा तो नहीं दिखता है, क्रोमोसोम के एग्जैक्टली सेंटर में आपको कहीं ना कहीं डिप्रेशन दिखता है, देखो ऐसा कुछ। इसका मतलब ये वो रीजन था जहां डीएनए सबसे ज्यादा पिचका हुआ है, और इस पिचके हुए रीजन को हम क्या बोलते हैं, हम बोलते हैं कॉन्स्ट्रिक्शन, और ये हर एक क्रोमोसोम में मिलेगा, इसलिए ये होता है हमारा प्राइमरी कॉन्स्ट्रिक्शन। इसी प्राइमरी कॉन्स्ट्रिक्शन को नाम दिया जाता है सेंट्रोमियर, ठीक है, क्या नाम दिया हमने, सेंट्रोमियर। कुछ ऐसे भी क्रोमोसोम होते हैं जिसमें दो कॉन्स्ट्रिक्शन मिलते हैं हमको, तो ये जो आपको दूसरा कॉन्स्ट्रिक्शन मिला है, इसको हम बोलते हैं सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन, ठीक है। और सेकेंडरी कॉन्स्ट्रक्शन के नीचे ये वाला जो तुम्हारा डीएनए था, इसको हम बोलेंगे सैटेलाइट डीएनए। क्या नाम दिया, सैटेलाइट डीएनए, ठीक है। अभी नेक्स्ट, व्हाट इज इंपॉर्टेंट फॉर अस, ये जो आपका कॉन्स्ट्रक्शन था, समझो ये वाला, ठीक है, तो इसके आसपास प्रोटीन्स का कवरिंग होता है, ओके, और इन प्रोटीन के कवरिंग को आप क्या बोलोगे, यू विल कॉल इट एज काइनेटोकोर। ये आप सेल डिवीजन वाले चैप्टर में पढ़ोगे, लेकिन फिर भी मैं अभी बता देती हूँ, उसको हम क्या बोलेंगे, काइनेटोकोर। अब सेंट्रोमियर कहाँ पर है, ठीक है, उसके बेसिस पे व्हाट डू वी सी, देयर आर 4 टाइप्स ऑफ क्रोमोसोम, मेटासेंट्रिक, सबमेटासेंट्रिक, एक्रोसेंट्रिक एंड टीलोसेंट्रिक। ये देखो, अगर आपका सेंट्रोमियर, ठीक है, एग्जैक्टली सेंटर पे था, एग्जैक्टली सेंटर, तो ऊपर वाले आर्म को बोलते हो पी आर्म, नीचे वाले को बोलते हो क्यू आर्म, और पी और क्यू आर्म दोनों का लेंथ क्या रहेगा, एग्जैक्टली सेम। तो सेंट्रोमियर बीच में था, मेटासेंट्रिक थोड़ा सा ऊपर चला गया, पी आर्म थोड़ा छोटा था, क्यू आर्म थोड़ा सा लंबा था, सब मेटासेंट्रिक बहुत ज़्यादा ऊपर चला गया, पी आर्म बहुत छोटा था, क्यू आर्म बहुत लंबा था, देन यू कॉल इट एज एक्रोसेंट्रिक। अगर पी आर्म इतना छोटा है कि दिखता ही नहीं है, एग्जैक्टली उसके टिप पे आके तुम्हारा सेंट्रोमियर आ चुका है, तो हम उसको बोलेंगे टीलोसेंट्रिक। टीलोसेंट्रिक क्यों बोला, क्योंकि टीलोमियर पे आपका सेंट्रोमियर था, इसको हम बोलते हैं टीलोमियर, द एकदम टॉप, द एकदम अपेक्स रीजन। अगर वहां सेंट्रोमियर आ गया तो आप क्या बोलोगे, टीलोसेंट्रिक। और टीलोसेंट्रिक क्रोमोसोम्स अक्सर इंसानों में नहीं दिखते हैं, सिंपल। तो ये देखो बच्चा लोग, ये आपके पास था डबल स्ट्रैंडेड डीएनए, ये डीएनए कॉइल होके बन गया न्यूक्लियोसोम, और ज़्यादा कॉइल होके बन गया क्रोमैटिन लूप्स, जो आपको मिलेगा इन इंटरफेस, और ज़्यादा कॉइल हो गया तो बन गया क्रोमोसोम, सिंपल, जिसमें ये होगा पी आर्म, ये होगा नीचे क्यू आर्म, बीच में क्या होगा, सेंट्रोमियर, सिंपल, और यहाँ पर टीलोमियर, ठीक है। अब यही से बच्चा लोग आगे बढ़ते हैं टू द लास्ट अनाउंसमेंट फ्रॉम माय साइड, एंड दैट इज वेदांतु प्रो सब्सक्रिप्शन। बच्चा लोग, पहले जहां ट्रायल पीरियड होता था 1 मंथ, अब ट्रायल पीरियड कम हो चुका है, कितने दिन के लिए, 15 दिन के लिए। तो 15 दिन हो चुका है ट्रायल पीरियड बच्चा, और ये ऑफर अवेलेबल है सिर्फ 5 नवंबर तक, उसके बाद हम वापस उसी फीस पे आ जाएंगे बच्चा। तो इतना बेहतरीन डिस्काउंट और कभी नहीं मिलेगा। 5 नवंबर इज द लास्ट डेट जहां दिवाली सेल खत्म हो रहा है। सो अगर आपको दिवाली सेल में अभी भी पार्टिसिपेट करना है, अगर आपको लगता है जी हाँ मुझे वेदांतों का हेल्प लेना चाहिए, तो आप एटलीस्ट 1 मंथ के लिए ट्राई करके देखो बच्चा। आई एम नॉट सेइंग यू टू पे गुड अमाउंट ऑफ फीस, जैसे कि यहाँ पर आपकी फीस होगी 36,000, 46,000 या 67,000 या 50 या 70 या 1,04,000। मैं ये आपको देने बोल ही नहीं रही हूँ, मैं आपको क्या बोल रही हूँ, आई एम जस्ट सेइंग वन सिंपल थिंग, ट्राई फॉर 1 मंथ, अगर आपको बेहतरीन लगता है, आपको अपने आप में इम्प्रूवमेंट दिखता है तो ही बच्चा यूज़ करो इसको, ठीक है, तो ही आप उसको लॉन्ग टर्म के लिए सिलेक्ट कर लो। ओके डन। अब ये देखो क्या बोला हमने, अगर आप प्लान लेते हो, ठीक है, तो ये कौन सा है, ये हमारा जाता है 50,000 वाला, मतलब दिस इज़ फॉर ड्रॉपर्स बैच। ड्रॉपर्स बैच का बच्चा जो हमारा फीस स्ट्रक्चर है वो कुछ ऐसा है, वहाँ आपको 15 दिन के लिए, ठीक है, 15 दिन के लिए फीस कितना है 1,800, जहाँ आपको लाइव इंटरैक्टिव कोर्सेज मिलेगा, टेस्ट सीरीज मिलेगा, एनालिसिस मिलेगा, असाइनमेंट्स मिलेंगे, नोट्स मिलेंगे, डाउट सॉल्विंग होगा ड्यूरिंग द क्लास। और इसके लिए 15 डेज़ के लिए आप फीस कितना भर रहे हो 1,800 रुपये। लेकिन अगर आप 15 डेज़ का फीस भरते हो, आई रिपीट, अगर आप 15 डेज़ का फीस भरते हो तो आपको 15 डेज़ एक्स्ट्रा फ्री मिलेंगे, एब्सोल्युटली फ्री, प्लस आपको 10% एक्स्ट्रा डिस्काउंट। तो फीस हो रही है आपकी 2,000, फिर उसमें आपको 1,800 होगा क्योंकि एक्स्ट्रा 10% डिस्काउंट मिल रहा है बाय यूजिंग द कूपन कोड BMPRO, है ना। तो बच्चे लोग इसी के साथ अगर मैं बोलूँ कि आपको पूरा लॉन्ग टर्म का सेशन लेना है तो उसका आपका फीस जाता है, ये देखो 49,500 बेसिकली, ठीक है। तो चलो आ जाते हैं वापस टू द पॉइंट। अगर आप ड्रॉपर बैच नहीं, मंथन बैच नहीं ले रहे हो और नॉर्मल नीट ले रहे हो तो आपके पास क्या क्या फैसिलिटीज़ अवेलेबल है, सारी वही सेम टू सेम फैसिलिटीज़, लेकिन फीस कम है। कितना है फीस 1,530। ओके, इसमें आपको क्या बेनिफिट्स होगा, आप उसको ट्राई करोगे 15 डेज़ के लिए, 15 डेज़ आपको एब्सोल्युटली फ्री मिलेगा, मतलब 1 मंथ आप पढ़ाई करोगे वेदांतु से, आपको उसकी टेस्ट सीरीज भी मिलेगी और सब कुछ एट अ कॉस्ट ऑफ 1,530 ओनली, ठीक है, वो भी 10% डिस्काउंट के बाद। तो इसी के साथ बच्चे लोग, डू नॉट फॉरगेट टू लाइक द वीडियो, शेयर द वीडियो एंड सब्सक्राइब टू वेदांतु नीट में डीजी। तब तक के लिए अपना ख्याल रखना, ओके, एंड सी यू ऑल सून बच्चा लोग, ऑल द वेरी बेस्ट and we are proud Vedantu because we are creating history in JEE as well as NEET, ठीक है, bye बच्चा लोग।